आप जानते हैं मारवाड़ी वैश्यों ने, बणिकों ने, बणियों ने राजस्थान छोड़ा तो अपने व्यापार में गौ का हिस्सा रखा था, गौवंश का जो भी व्यापार करते थे उसका एक भाग गौ माता के लिए, गौवंश की सेवा के लिए निकालते थे। उसी निकाले हुए भाग से जगह जगह गौशालाएं बनाई है, आसाम में, बंगाल में, यहाँ आंध्रा में, मद्रास, बेंगलोर, बम्बई, जगह जगह मारवाड़ियों के द्वारा स्थापित और संचालित गौशालाएं हैं। वे पुराने लोग अपने व्यापार का एक भाग गौ सेवा में डालते थे। उन्होंने गांवों में भी, राजस्थान में भी गौशालाएं बनाई। गऊ को अपने व्यापार में भागीदार रखने से वो जहाँ गए वहाँ सफल हुए। धरती माँ ने भी उनको साथ दिया, क्योंकि धरती माँ की भी गौ माता माँ है। धरती और धेनु दोनों बहनों है। धेनु की सेवा करने से, धेनु का हिस्सा रखने से मारवाड़ी सभी जगह सफल हुए। आप भी सब मारवाड़ी हो, आपके पूर्वज तो स्वयं गोपालक थे, सबके घरों में गौशालाएं थी। जब तक आप सब गोपालक थे, गांवों में रहते थे, तब तक आपको गौ दान करने की जरूरत नहीं थी। आप तो गौ सेवा करते ही थे, दूध वाली गाय भी रखते थे और बिना दूध वाला गोवंश भी रखते थे। पर अब आप सब व्यापारी बन गए हो। आपके जो माता पिता, दादा दादी गायों की सेवा करते थे वो अब नहीं कर सकते, क्योंकि आप सब यहाँ आ गए। गाँव में बड़े बूढ़े लोग रहे हैं, वे सेवा नहीं कर सकते। जमीनों है पर सेवा नहीं होती, तो वो गौ निराश्रित तो हो गई है। आप अगर अपने व्यापार में जैसे माता पिता के लिए आप कमाते हैं, अपने बच्चों के लिए कमाते, अपने बच्चों का माँ बाप का भाग है आपकी कमाई में, ऐसे ही आप अपनी कमाई में गौ माता का भी हिस्सा रखिए, गौ माता का भी भाग रखिए। उससे आपके पुण्य की वृद्धि होगी और आपकी समृद्धि बढ़ेगी, आपका धन बढ़ेगा। जो जो बढ़े जो और अधिक गौ सेवा में लगाइए तो पचेगा भी सही, नहीं तो फिर क्या होता है, जैसे पहले पुराने मारवाड़ी लोग गायों का हिस्सा वित्ती के रूप में निकालते थे, अब उनकी संतानें नहीं निकालती। क्यों? क्योंकि अब पहले तो लाख रुपया कमाते थे तो 2000 रुपया निकाल देते थे, अब वो करोड़ रुपया कमाने लग गए तो 2 लाख रुपया निकालना उनको बड़ा लग रहा। अरे 2 लाख, अरे भैया तू 98 लाख रख रहा है ना घर पे, गाय को 2 लाख देने से तेरे आंखें बड़ी हो रही है, तो घर पे 98 लाख कैसे बचाएगा। तो ऐसा करके उन लोगों ने गौओं के भाग का पैसा, जो पाटन में गौवंश था उसका हिस्सा का धन उन्होंने घर में रखना शुरू कर दिया। और उस धन का दुष्प्रभाव ये हुआ कि वो ही मारवाड़ी जो गौ भक्त थे, जो सब जगह सफल हो रहे थे, उन्हीं की संतानें भ्रष्ट हो रही हैं, दुराचारी हो रही हैं, दुर्गुणग्रस्त हो रही हैं, माँ बाप का तिरस्कार कर रही हैं, धर्म और संस्कृति विहीन हो रही है और असाध्य रोगों से पीड़ित हो रही। गऊ का हिस्सा वो पचा नहीं सकते। गऊ के निमित्त निकाला हुआ द्रव्य अग्नि भी नहीं पचा सकता, कोई पुरुष तो क्या पचावे। गऊ के लिए संकल्प किया हुआ जो भी है वो इतना कोई पचा नहीं सकता। अगर कोई उसका इधर उधर करेगा तो उसको बहुत बड़ी हानि होगी। आज देश में गोधाम पथभड़ा की प्रेरणा से बहुत सारी गौशालाएं बनी है, पर बहुत सारे ऐसे भी गौ भक्तों के देश में असुर घुस गए हैं, जो गाय के नाम से द्रव्य इकट्ठा करके और इधर उधर उसका कर रहे हैं, पर वो उसको पचा नहीं पाएंगे, उनसे उनकी दुर्गति होगी, बहुत बड़ी हानि होगी। हमें सावधान रहना है, हमें विवेक पूर्वक सेवा करनी है। सबसे पहला तो ये कि खुद जाओ गौशाला में, चारा ले आओ, दाना ले आओ, गुड़ ले आओ। जब भी राजस्थान जाओ, मारवाड़ जाओ, यहाँ हो, हाथों से जाके गौशाला में देखो क्या क्या सामान नहीं है, जो नहीं है वो खरीद के लाके दे दो। और अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो जो प्रमाणिक गौशाला है उसकी पक्की रसीद लेके और बैंक में अथवा सीधा सीधा द्रव्य गो सेवा में लगे, ये पहले निश्चित करके देना चाहिए। ऐरे गहरे नत्थू गहरे के हाथ में गौ माता का गौ ग्रास नहीं देना चाहिए, वो खुद
खुद अपनी भी हानि करेगा और गौ माता तक पहुंचाएगा भी नहीं। ये गौ भक्ति की भावना का दुरुपयोग करने के लिए लोग अभी हो सकता है ऐसे घूम रहे हो। हमने सुना है कि बहुत सारे लोग 50-25 गाय वाड़ा में बंद कर देते हैं, न समय पर खिलाते हैं, न पिलाते हैं, न उस पर साया करते हैं। गाय एक तरह से जेल में बंद कर देते हैं और फिर उसके नाम से चंदा मांग मांग के खुद ऐसे घूमते हैं, साधन लेके उसका दुरुपयोग करते हैं, वो ठीक नहीं। सेवा करें, ईमानदारी से करें। जो गौ सेवा करेगा वो उत्तरोत्तर सफल होगा। अगर सफल नहीं हो रहा है तो उससे कोई गौ अपराध हो रहा है। हो सकता है कोई जानबूझ के न करे, कोई सही आदमी है वो अनजान में भी अगर अपराध कर रहा है, ठीक तरह से गौ सेवा नहीं करता है तो उसको दोष लगता है। जानबूझ के करता है वो तो अधोगति में जाएगा ही, पर अनजान में भी जितनी भी गौशालाएं हैं प्रदेश में देश में, उन गौशालाओं के संचालकों से और उनसे जुड़े हुए सभी भाइयों से प्रार्थना है कि गायें सुखी हो, जितना सामान हो उनको आदर पूर्वक गायों को अर्पण करें। गायें दुखी नहीं होनी चाहिए। जैसे किसी को फांसी से छोड़ा के राष्ट्रपति फांसी से छोड़वा के आजीवन कारावास में डाल देते हैं, ऐसी गौओं को कसाईयों से छोड़ा के छोटे 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 गोष्ठों में बंद कर देते हैं पांजरा पोलों के नाम से, तो वो तो भाई अपराध है, वो तो जहर है गाय के लिए। गौ के खुली जगह हो, खूब विचरण करे, वृक्षों के नीचे बैठे, थोड़ी गायों के लिए अधिक जगह हो। छोटे छोटे वाड़ों में गौ नहीं रखना चाहिए। गाय घूमती फिरती है तो सुखी रहती है। स्वस्थ जल हो, अच्छा चारा हो, जो कुछ भले कम हो पर श्रद्धा से और साफ सुथरे भाव से उन्हें अर्पित करना चाहिए, तभी उसका पुण्य प्राप्त होता है। तो सज्जनों, गो सेवा आप कर रहे हैं, गोधाम पथवाड़ा में भी कर रहे हैं, गाँव में भी कर रहे हैं, पर सभी जगह आप सावधानी रखें और आप सभी में जाएं, जब देखें गौशालाओं में सुझाव भी दें, टाइम हो तो हाथ से सेवा करें, कोई कमी हो तो बताएं। हाँ, कोई बिना जाने किसी गौ सेवा के कार्य की निंदा न करें। कोई निंदा करता हो तो उसको रोके, पूछे कि तूने देखा है या समझा है। अगर देखे और समझे बिना बात करता है तो भैया अपराध तेरे सिर पे उठा के ले जा, हम कानों से सुनना नहीं चाहते। हाँ, अगर कोई गलती हो रही है तो गौशाला के प्रबंधन करने वाले लोगों से कहो पहले कि वो सुधार करें। अगर सुधार न करें तो फिर आपस में चर्चा करके 10-20 लोगों को कहो, फिर भी न माने तो हाथ जोड़ दो वो और उसका कर्म। पर बुराई करने से, आपकी बुराई करने से अगर गाय को कोई चारा देता है और वो नहीं देगा तो उसका पाप आपको लगेगा। इसलिए गौ सेवा में बाधा होए ऐसी कोई बात नहीं करनी, विघ्न पड़े ऐसी बात नहीं करनी। पर हाँ, गौ सेवा में लगे हुए लोगों से कोई भूल होती है तो उनके मुख पर उनको भूल मिटाने के लिए कहना, पीछे से बातें नहीं करनी। सामने कोई गलती है तो लिख के दे दो, जैसे हम आपके सामने उपस्थित हुए। आपको लगे कि पथमड़ा गोदाम द्वारा संचालित गौशालाओं में कोई कमी है, कोई ऐसा करना चाहिए नहीं हो रहा है, तो आप उसको लिखित में दो, बोल के बताओ। पर पीछे से बात करोगे और उससे कोई भ्रमित होगा, गौ सेवा से विमुख होगा तो उसका दोष लगेगा। पीछे से बात नहीं करनी, प्रत्यक्ष सेवा करो। सेवा न कर सको तो बाधक मत बढ़ो, सेवा में विघ्न मत डालो, यथा संभव सेवा करो, सब मिलके करो। ये जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा धन देंगे तभी सेवा होगी। भैया थोड़े में से थोड़ा दीजिए, ना कबूल कीजिए। थोड़े में से थोड़ा भी दिया जा सकता है, मनाही नहीं करनी। तो मैं निवेदन करता था कि अगर धन को बढ़ाना है, कीर्ति को बढ़ाना है, शरीर से स्वस्थ रहना है तो पुण्य कमाओ, और पुण्य अर्जन का साधन वर्तमान समय में सबसे उत्तम साधन गौ सेवा है। माताएं बहनें भाई अनावश्यक खर्चों से धन को बचाएं। शौक में जो धन खर्च हो रहा है वो न करें। अतीत को भूले नहीं, अतीत का मतलब पहले पहले थे ना, कई लोग
पहले को भूल जाते और बाद में अब धनी हो गए बड़े हो गए तो पहले क्या दशा थी वो भूल जाते। अतीत को नहीं भूलना, अतीत को याद रखते हुए जो कुछ धन मिल रहा है उसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। दुरुपयोग करने से लक्ष्मी चली जाएगी, स्वभाव बिगाड़ेगी, धोखा देगी, पश्चाताप होगा, गलानी होगी। इसलिए माताओं बहनों बालकों बंधुओं धन का सदुपयोग करो, आवश्यकता के अनुसार अपने शरीर पर खर्च करो और अधिक से अधिक पुण्य करो। माता पिता जो भी अपने बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करो और उनसे भी उनके उनके आरोग्य के लिए भी पुण्य अर्जन करो। गौ माता के लिए नियमित गोग्रास निकालो, अपनी रसोई के मसालों में से भी बचा के गोग्रास निकालो, अपने कपड़ों की सौखीनी में से भी गोग्रास निकालो, जो शरीर के श्रृंगार की वस्तुओं उसमें से भी बचा के गोग्रास निकालो, उससे आपकी वृद्धि होगी, आपके शरीर की कीर्ति की आरोग्य की वृद्धि होगी। ऐसे ही ये तो लौकिक दृष्टि का अभ्योदय है, लोक में पुण्य से जैसे वृद्धि होती है ऐसे परलोक में भी आत्मा के कल्याण के लिए भी परमार्थ ही पुण्य ही एक रास्ता है। वहाँ भी कोई बुद्धि से बल से तप से अपने आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता, आशीर्वाद से होता है। संतों का आशीर्वाद लो। संत कौन है? जो गीता में बताया है, रामायण में बताया है, वो संत है। संतों का सहज स्वभाव परमार्थ होता है, तो संत की सेवा, संतों का आशीर्वाद सेवा से मिलता है। सेवा क्या है? उनकी वाणी के अनुसार जीवन बनाना। अगर आप संतों की वाणी के अनुसार परमार्थ करते हैं तो संतों का आशीर्वाद आपको मिलता, भले संत दिखे न दिखे, कोई जरूरी नहीं है। संत शरीर है भी नहीं, संत तो वाणी है, संत तो सिद्धांत है, संत तो जीवन शैली है। उस जीवन शैली को, उस वाणी को, सिद्धांत को अपनाओगे तो संतों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। वेशभूषा तो केवल समाज से अलग दिखाने के लिए है, पर बाह्य वेशभूषा से क्या, बाह्य वेशभूषा से ही संत का परिचय नहीं है। बाह्य वेशभूषा भी एक संत का स्वरूप है, वो स्वरूप है, परिचय नहीं है। स्वरूप तो भाई भांड भी बनाता है, भांड भांड होता है ना, वो भी बहुरूपिया भी संत का स्वरूप बनाता है, ये राजा का स्वरूप बनाता है। इसलिए स्वरूप से ही संत नहीं होता, बाह्य स्वरूप से, आंतरिक स्वरूप से संत होता है, जो सबका हित चाहता है, जो सबका कल्याण चाहता है, जो सबका मंगल चाहता है, जिनका जीवन ही परहित के लिए है, जिनकी वाणी परहित के लिए है, वह संत।